वर्ड एक्चुअली ये जो फॉर्मेशन है वर्ड वर्ड वाला ये सबसे ज्यादा यूज होता है चालू कर दिया ये सबसे ज्यादा यूज होता है ट्रांसलेशन के सेंस में अनुवाद के सेंस में है ना और हम कहते हैं वर्ड फॉर वर्ड नॉट वर्ड टू वर्ड वर्ड टू वर्ड मैच कर रहा था वर्ड फॉर वर्ड मैच कर रहा था प्रेपोजिशन है हमारी बुक्स में वर्ड फॉर वर्ड नॉर्मली वी ऑल से वर्ड टू वर्ड और हम आगे भी वर्ड टू वर्ड ही बोली बट आरबीएससी में हमें वर्ड फॉर वर्ड लगाना है इज दिस क्लियर ये क्लियर है क्लियर है सब तो सुनो ही नहीं तो कैसे क्लियर हो मैं कह रही हूँ जहाँ हम नॉर्मली वर्ड टू वर्ड बोलते हैं वहाँ आपको वर्ड फॉर वर्ड लगाना है आरपीएससी में वर्ड टू वर्ड नहीं बोलो वर्ड फॉर वर्ड ये है क्लियर छोटा सा रूल है वर्ड टू वर्ड जहाँ बोलते हो वहाँ वर्ड फॉर वर्ड लगाओ दूसरा पी आर आई एन सी आई पी ए एल मुखिया और पी आर आई एच सी आई पी एल ई सिद्धांत हमारे सोलर सिस्टम का मुखिया ग्रह सूर्य है द सन इज द कौन सा पी एल मुखिया प्रिंसिपल हर स्कूल में प्रिंसिपल होता है पी एल मेरे वहां ना जाने का मुख्य कारण ये है दिस इज द प्रिंसिपल रीजन पीएल ठीक है और दूसरा देखो सिद्धांत के हिसाब से ये गलत है एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल जहां सिद्धांत वाला सेंस आता है सूत्र सिद्धांत थ्योरी वहां पीएल ही आता है और जहां मुखिया आता है वहां पीएल आता है उसी तरह से स्टेशनरी स्टेशनरी ए आर वाई ई आर वाई बहुत छोटी छोटी चीजें हैं एक तो स्थिर स्टेशनरी और एक एक पेन किताब पेपर की दुकान स्टेशनरी दोनों स्टेशनरी है स्थिर भी वही है ये भी वही है स्पेलिंग का डिफरेंस है ए आर वाई स्थिर ई आर वाई दुकान अगला राइज खुद उठना और रेज उठाना सूर्य को उठाने जाते हैं क्या हम रोज उदय होता है ना द सन राइजेस और हमें हाथ उठाना पड़ता है तो हम हाथ को उठाते मैं और मेरा हाथ रेज है ना तो ही रेज्ड हिज हैंड हम झंडा उठाते हैं वी रेज द फ्लैग सरकार तय कर रही है कि रिटायरमेंट के एज को बढ़ाएगी उठाएगी मतलब बढ़ाएगी रेज वी रेज द फ्लैग द गवर्नमेंट प्लान्स टू रेज The age of retirement from 60 to 65. अगर तुम्हारी को कुछ पूछना है तो हाथ उठा दो पूछना तो रेज योर हैंड शी वॉज एंग्री और उसने अपनी आवाज उठा ली रेज्ड हर वॉइस समझ में आ रहा है उसने आश्चर्य के मारे अपनी बहुएं उठाई अच्छा मतलब अच्छा कहा तो नहीं बहुएं उठा ली जिसमें तुम समझ गए रेज्ड हर आईब्रोज एवरी ईयर नदी में उफान आता है उठ जाता है नदी खुद हम उठाने जाते हैं क्या वहाँ राइजेस एवरी ईयर द रिवर राइजेस एंड ओवरफ्लोज कीमतें बढ़ रही हैं खुद ब खुद राइजिंग सर तो लिसन वैलिड पॉइंट सलोनी कह रही है कीमतें खुद ब खुद थोड़ी बढ़ती है कोई तो बढ़ाता है पर सेंटेंस में वो बढ़ाने वाला नहीं आ रहा द गवर्नमेंट रेज्ड द प्राइसेस अंडरस्टैंड
बहुत वैलिड पॉइंट है, कीमतें खुद थोड़ी बढ़ती, कोई तो बढ़ाता है, बस वो कोई तो इस वाक्य में एब्सेंट है, इसलिए कीमतें खुद बढ़ रही। अगर इसमें देखो ना, ये द गवर्नमेंट प्लान्स टू रेज ग्लोबल वार्मिंग इज राइजिंग, हाँ वी आर रेजिंग, इफ देयर इज एन एजेंसी, खुद ब खुद तो फिर कीमतें बढ़ रही है। अभी सेंटेंस में हमको भी पता है कि कोई तो बढ़ा रहा है, पर वो जो भी बढ़ा रहा है वो एजेंसी वाक्य में मिसिंग है, नहीं है, इसलिए राइजिंग, प्राइसेस आर राइजिंग। नॉट क्लियर दिव्या, है ना खुद? और अगर ये होता द गवर्नमेंट इज रेजिंग द प्राइस, अगर सरकार का नाम आ गया तो फिर द गवर्नमेंट इज रेजिंग, नॉट राइजिंग, रेजिंग द प्राइसेस, प्राइसेस आर रेजिंग। कर्ता कौन है? कर्ता का मतलब बढ़ाने का काम नहीं, एजेंट। सब्जेक्ट कौन है? कीमतें खुद है सब्जेक्ट, तब तो राइजिंग। सरकार है, दुकानदार है, रेजिंग। फिर द गवर्नमेंट इज रेजिंग द प्राइसेस, दे दिया ना याद ला, द गवर्नमेंट इज रेजिंग द प्राइसेस, सरकार कर रही है प्राइसेस, जब करता था तो राइजिंग था, जब सरकार कर रही है तो रेजिंग हो गया। क्लियर हो गया? अगला देखो, द टेम्परेचर इज राइजिंग, खुद टेम्परेचर राइजिंग। हम खड़े होते हैं, हम खुद खड़े होते हैं, अगर हम हमारा हाथ खड़ा कर रहे होते, पैर खड़ा कर रहे होते तो रेज होता, हम खुद ही खड़े होते हैं। वी राइज फ्रॉम द चेयर व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्स, स्कूल में करते थे ना, खड़े जाते थे, हाँ वी राइज फ्रॉम द, अगर ये मैं और मेरा हाथ मेरा पैर होता तो रेज हो जाता, या तो मैं पूरा ही, जैसे सन पूरा उग रहा है, प्राइसेस पूरी, वैसे मैं खुद, है ना, राइज। समझ में आया या नहीं? स्मोक, अभी पास्ट टेंस में देखो, स्मोक राइजेस अप द चिमनी, बट स्मोक रोज अप, पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म रोज हो जाएगा, रोज, स्मोक रोज अप, राइज रोज रिजन, आर आई एस ई एन। अब एक सेंटेंस और ध्यान दो, वी डोंट सिट अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, वी सिट अंडर अ ट्री, वी सिट अंडर अ ट्री, बट वी सिट इन द शेड ऑफ अ ट्री, हम पेड़ की छाव में बैठते हैं, पेड़ के नीचे बैठते हैं, वी सैट अंडर अ ट्री, बट छाव आ जाए तो वी सिट इन द शेड, छाव में बैठते हैं पेड़ के नीचे, वी सिट इन द शेड, छोटी छोटी चीजें हैं बट उसमें पकड़ में आ जाएंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अगला देखो, सी लुक वॉच, सी लुक वॉच, कैन यू लुक के साथ जनरली एड आता है, जनरली, कैन यू सी माई, तुम्हें मेरा घर दिख रहा है, सेंटेंस का मीनिंग लिखो, दिखना, कैन यू सी माई हाउस ओवर द क्लिफ, क्या तुम देख सकते हो, क्या मेरा घर दिख रहा है, सी, कैन यू सी माई हाउस ओवर द क्लिफ, कैन यू सी माई हाउस ओवर द क्लिफ, सी देखना, चमगादड़ बैट्स, बैट्स कैन सी वेरी वेल इन द डार्क, कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, अंधेरे में ज्यादा कुछ नहीं दिखता, यू कैनॉट सी मच इन द डार्क,
अब अगला देखो, लुक एट, एट आया इसलिए, डोंट लुक एट द सन डायरेक्टली, लुक एट मी, कितनी बार क्लास में मैं तुम लोगों को बोलती हूँ ना, यहाँ देखो मित्र, देखो मित्र, देखो लुक एट मी, एट आ गया, लुक एट मी व्हाइल आई एम स्पीकिंग, ही लुक्ड एट हिज वॉच एंड टोल्ड मी द टाइम, वो मैंने बाकी आधा नहीं लिखा, एंड टोल्ड मी द टाइम, लुक एट द पेंटिंग, Isn't it beautiful? Look at, at आ गया. Do you like to watching? Yeah, to watch. Do you like to watch talk? Correct, that's talk shows. Do you like watching talk shows? Talk shows. TV पे जो लंबी लंबी वार्ताएं आती हैं. Talk shows. Watching. क्योंकि हम ध्यान देते हैं, बैठे रहते हैं लंबे समय तक. Length of time है. ध्यान से देखते हैं ना, वॉचिंग, ही इज वॉचिंग द वर्ल्ड का सीरीज, क्लियर है, बहुत छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस करना पड़ेगा. अब ये मृत अवस्था में, डेड, मृत अवस्था में, डेड, मर गया, हैज डाइड, हैज डाइड, has died, sirf died, sirf second form, died, has died, मर चुका है, मर चुका है, वो कबूतर आया, कट गया, गिर गया, मर चुका, has died, और मृत्यु भाववाचक संज्ञा, death. अब देखो, many people मर गए when the bridge collapsed due to the storm. Many people died when the bridge collapsed due to the storm. Evil brought death upon them. पाप, evil, उनके ऊपर मृत्यु को ले आया. Our former president died 2 years ago. Even if they are मृत अवस्था में, मुझे तो चूहों से डर लगता है. Even if they are dead, I'm frightened of mice. The dead can't talk. मरे हुए लोग बात नहीं करते. The dead, मतलब dead people. Dead adjective है. Dead people. Do you believe in life after death? Death. Vultures feed on dead animals. Dead adjective very close. Dead adjective है. Dead animals. The police inspector मर गया. Died in the encounter. The police wanted the convict back dead or alive, zinda ya murda, dead or alive. The brave are not afraid of death. ठीक है, is this clear? Let's see. कल एक काम करना, 15-20 मिनट जल्दी आ जाओ. भारती, तू जीके पढ़ती क्या यहाँ? ओ नहीं, फिर तो नहीं बैठेगा, फिर मत आना जल्दी. बिल्कुल, तुम टाइम पे आ जाना, बिल्कुल जैसे भारती, तुम कल जीके फ्री होते, 10-5 मिनट लगते ना आपको क्लास शुरू करने में. इसको ये लाई ले, इसने ये घर पे थी, थोड़ा बेसिक समझा देना, हालांकि ये वीडियो देख लेगी, फिर उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा तो मैं देख लूंगी. चलो, ऑल होल, ऑल होल, डब्ल्यू एच ओ एल ई, होल, ऑल, केवल यूजेज का अंतर है, दोनों का मतलब है पूरा, दोनों का मतलब है पूरा, दोनों का मतलब है पूरा, ऑल एंड होल, यूजेज में अंतर है. इमेजिन, कल्पना करो, ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड लिविंग इन पीस, यहाँ ऑल द पीपल नहीं आ सकता, याद रखो,
यहाँ लिखो, यहाँ याद रखो, ऑल के बाद द आ सकता है। रूल लिखो, ऑल के बाद द आ सकता है, मतलब द से पहले ब्लैंक हो, द से पहले ब्लैंक हो लिखो, द से पहले ब्लैंक हो तो ऑल लगाओ, द के बाद ब्लैंक हो तो होल लगाओ, द से पहले ब्लैंक हो तो ऑल लगाओ, द के बाद ब्लैंक हो तो होल लगाओ। दे आर्ग्यू, द से पहले ब्लैंक है, अरे द के बाद ब्लैंक हो तो होल लगाओ। दे आर्ग्यू ऑल द टाइम, द से पहले ब्लैंक, द से पहले ब्लैंक इज इक्वल टू ऑल, द के बाद ब्लैंक इज इक्वल टू होल। आयुषी, द से पहले ब्लैंक आए तो ऑल लगाना, द के बाद ब्लैंक आए होल, होल। दे आर्ग्यू द के बाद ब्लैंक, होल डे, द के बाद ब्लैंक होल डे। द फिल्म is all about the man, all about the man नहीं आएगा, all about the man who falls in love for the first time. The whole country, पूरा का पूरा देश was worried when the disaster happened. All country नहीं, you cannot write the all country, क्यों? क्योंकि the के बाद blank है, the के बाद blank है ना, the whole. I cannot trust him, that is the ke baad blank, whole. Her son was home, the ke baad blank, whole week. He was home all alone. He sat all by himself. He ate a whole, pura ka pura chocolate cake, whole chocolate cake for dinner. He dedicated his whole life. He sat quiet during the ke baad blank, whole lecture. He studied pura ka pura day, all day long. We spent all our time pursuing happiness. He promised his friend that he would be with him at all times, all times, सारा समय. Practice करो, फिर जब जब मेरे को टेस्ट देना होगा ना संडे को, तब मैं ये सब थोड़े दे दूंगी ज्यादा, है ना? I'll give you more of these. चलो अब लिटरेचर खोलो, अब लिटरेचर खोलो, लिटरेचर लिटरेचर.